हेलो दोस्तों, तो यार कैसे हो आप लोग। तो गाइज आज हम लोग के पास में है ये, तो जैसा कि आप देख सकते हो ये है हमारा प्ले स्टेशन 5 का चार्जिंग डॉक, कंट्रोलर का चार्जिंग डॉक। और इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं हम लोग ये वाली वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना भाई। देखते हैं कैसा है इसका चार्जिंग डॉक। अभी तक मैंने इसकी अनबॉक्सिंग देखी नहीं है इंडिया में, शायद अभी तक नहीं किया किसी ने। तो इफ़ आई एम द फर्स्ट वन देन गिव मी अ लाइक ब्रो। तो भैया जी चलिए इसको करते हैं अनबॉक्स एंड देखा जाए कैसा है। और अभी तक मैंने भी इसे देखा नहीं और मैं भी काफ़ी एक्साइटेड था इसे देखने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस कुछ इस तरह से हमको मिलता है हमारा चार्जिंग डॉक का बॉक्स। सामने देखो तो लिखा हुआ है डुअल सेंस चार्जिंग स्टेशन, और बैक साइड में देखा जाए तो बैक साइड में भी वही चार्ज टू कंट्रोलर्स लिखा हुआ है। एक दो कंट्रोलर आप एक साथ चार्ज कर सकते हो, और पीछे की साइड में दो PS5 के कंट्रोलर बने हुए हैं। फ्री अप USB पोर्ट, क्लिक इन डिज़ाइन, बस आपको क्लिक कर देना है, ऐसा डिज़ाइन है इसका। तो चलो बहुत हो गई बातें, अब करते हैं फटाफट से इसको अनबॉक्स और देखते हैं कैसा है चार्जिंग स्टेशन वगैरह, क्योंकि मैंने अभी रियल में देखा नहीं तो मुझे भी जानना है। और फिलहाल में करते हैं इसे अनबॉक्स। ओके, तो ये भी अपने PS5 वाले स्टाइल में ही पैक्ड है। इनफैक्ट PS5 की सारी एक्सेसरीज़ वगैरह ऐसे ही पैक्ड होने वाली हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। और ये देखो भाई ऐसा है हमारा इसका एक अंदर सा बॉक्स, जैसे हमारा PS5 होता था अंदर से अलग बॉक्स में। तो खोल दिया जाए, चलो खोल दिया जाए। ऑल राइट, तो ये क्या है, ये मैनुअल है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ लेगा। और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे इसमें, अगर आप चाहते हो इन्हें फॉलो करना तो देख के फॉलो कर सकते हो भैया। फिलहाल इसे देखा जाएगा बाद में, इसे रख देते हैं साइड में। एंड आफ्टर दैट वी हैव एडाप्टर, एडाप्टर दिया गया है, और ये भी ओरिजिनल सोनी का ही है। और ये जो चार्जिंग स्टेशन है ये एक्चुअली इंपोर्टेड वाला ही है, क्योंकि आपको पता है अभी तक इंडिया में लॉन्च हुआ नहीं है तो एक्सेसरीज़ कहाँ से मिल पाएगी। तो ये भी इम्पोर्टेड ही है अदर कंट्री से, ये देख सकते हो। ये सोनी का चार्जिंग एडाप्टर है, सारी डिटेल्स वगैरह यहाँ दी हुई हैं, इन्हें देख सकते हो आप। लेकिन ये डुअल वोल्टेज होता है, ये जो PS5 आया ये डुअल वोल्टेज है, तो अपने कंट्री में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एंड आफ्टर दैट वी हैव दिस कॉर्ड, पावर कॉर्ड, देख सकते हो ये पावर कॉर्ड है। यहाँ से ये देखो इस टाइप का है, ये ओवरसीज़ वाला, ये बाहर वाला ही है इसका पोर्ट। तो इसके लिए आपको एक कन्वर्टर चाहिए होगा। कन्वर्टर कैसा चाहिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बेसिकली आपको एक ऐसा सा कन्वर्टर चाहिए जो करीब 20-25 रुपए का मिल जाता है। इसको लेके आप एक मिनट ऐसे प्लग कर सकते हो, देखो वी आर रेडी टू गो। अभी देखेंगे इसको भी ट्राई करके, तो इसे भी रख देते हैं साइड में। एंड फाइनली वी हैव आ चार्जिंग स्टेशन, ये रहा हमारा चार्जिंग स्टेशन जो कि ब्लैक एंड वाइट कलर में ही है। ऑल राइट, ये देख सकते हो कुछ इस तरह से है हमारा चार्जिंग स्टेशन। और यहाँ पे दो पोर्ट्स दिए हुए हैं जिसमें आप दोनों कंट्रोलर अपने क्लिप कर लोगे, ऐसे कुछ इस तरह से। आवाज़ आ रही होगी शायद आपको, एक मिनट मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ाऊँ। या अब आपको शायद दिख रहा होगा, तो ये देखो ऐसे यहाँ पे क्लिक हो जाएगा, इधर भी वही है। एंड इधर एक PS का लोगो दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे सोनी लिखा हुआ है ऊपर की साइड में। इधर की साइड में आपकी पावर कॉर्ड नहीं, इधर की साइड में आपका एडाप्टर लग जाएगा। और पीछे की साइड कुछ डिटेल्स वगैरह दी हुई हैं, इन्हें भी आप देख सकते हो। तो देखो इसकी रबर टिप्स भी यहाँ पे दी हुई हैं, जिससे कि ये किसी भी सरफेस पे स्लिप नहीं करेगा। ये देख सकते हो यहाँ पे ऐसे, तो कहीं भी आप रख दोगे देखो ये स्लिप बिल्कुल भी नहीं करेगा। काफ़ी सही ग्रिप है, अच्छी है, बहुत छोटा सा रबड़ दिया है लेकिन काफ़ी सही ग्रिप है। तो एक्चुअली क्या है ना कि अभी हमारे पास में PS5 तो है नहीं, आपको पता है कि वो PS5 जो था वो मेरा नहीं था, वो शुभम भाई का था, तो मैंने उनको भेज दिया है PS5, और ये चार्जिंग डॉक मैंने उन्हीं के लिए ही परचेस किया है। तो देखो भैया प्लग कर दिया है, कोई भी LED वगैरह नहीं दी गई है, कंट्रोलर आप लगाते ही आपका चार्ज होने लगेगा। और ये पोर्ट दिया हुआ है आपके कंट्रोलर में, आपको याद होगा अगर आपने देखा होगा कंट्रोलर की अनबॉक्सिंग जो मैंने अनबॉक्सिंग में बनाया था, तो ऐसे पोर्ट हैं दिए हुए हैं। और कंट्रोलर आपका किस तरह से रहेगा, ऐसे वर्टिकली रहेगा, तो PS4 के कंट्रोलर में ये नहीं यूज़ होगा। जो लोग क्वेश्चन पूछेंगे मैं पहले ही बता दूँ, तो कोई मतलब नहीं है PS4 के लिए इसे लेने का। PS4 के लिए PS4 वाला लेना, और इसके लिए यही वाला लेना।
एंड सो राइट नाउ इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, और अभी फ़िलहाल मेरे पास कंट्रोलर है नहीं तो मैं आपको दिखा नहीं सकता चार्ज करके। तो ठीक है यार, फिलहाल तो ये अर्ली वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि अब चार्जिंग डॉक में क्या ही दिखाऊंगा मैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं आपसे, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो नेक्स्ट वाली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक दे देना यार इस वाली वीडियो को, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं आपके लिए ऐसी एक्सक्लूसिव कंटेंट लाता रहता हूँ। पसंद आई तो लाइक कर दो, नहीं पसंद आई तो यार डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन आपको पता है क्या करना है। सो ठीक है, ये वाली वीडियो के लिए देखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। वीडियो यूजफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग वीडियो, बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। अच्छा अभी इधर ही हो क्या? तो जो लोग अभी तक रुके हुए हैं उनके लिए एक बोनस है, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं ये बताऊंगा कि 1,00,000 व्यू पे कितने पैसे YouTube से मुझे मिले। आप देखोगे मेरे चैनल पे एक वीडियो पे अराउंड 1,11,000 या 12,000 के आसपास व्यूज़ हो चुके हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, उससे ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो उस वीडियो की एनालिटिक्स हम लोग देखेंगे और देखेंगे कितने पैसे बनाए हमने। ओके okay.